माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज वही हो रहा है, देख रहे हो। पता है परिषद महाराज आज क्या हो रहा है? हमारे पास भी कोई आता है ना कि महाराज जी कथा भागवत हम कराना चाहते हैं। हाँ भैया करेंगे, कैसे करेंगे भैया? खर्चा चाहिए हमें, हमारे संगीत का खर्चा चाहिए, हमें मिल जाओ सुनिया। लेकिन आज साक्षात आप देख रहे हैं इस भागवत की कोई कीमत नहीं है, इसका मोल लगाना शुरू कर दिया है। जहां भी पैसा अधिक मिलता है वही आनंद आने लग जाता है, ज्यादा दो चार मंत्रों ज्यादा है जाते। ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज अपने वेद को बेच करके देवतागण गुजारा करते हैं और वो नंदी जिनको भृगु जी का श्राप लगा हुआ था, भोलेनाथ के गढ़ वो भी आज जिन्हें नागा बाबा हम कहते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखाते भस्मी रमाते, उनके अंदर रोम रोम में क्रोध बसा होता है, वही शंकर भगवान के गढ़। देवता अपने अपने लोक चले गए, भोलेनाथ भी नंदी को सवार होकर के कैलाश पर आ गए। लेकिन राजा दक्ष जब अपने भवन पहुंचे तो राजा को ध्यान आया, होश आया, बोले हमने इतना बड़ा ऐलान किया है लेकिन हमको कैसे मालूम पड़े हमारी कोई बात को मानेगा या नहीं मानेगा, इसलिए इस कार्य को हम अपने घर से ही शुरू करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा दक्ष को इतना बड़ा माया का मद हो गया, भोलेनाथ का त्याग किया और बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं के लिए न्योता भेजा लेकिन शंकर भगवान के लिए न्योता नहीं भेजा। सभी देवतागण अपने अपने विमानों में बैठ करके उस राजा दक्ष की सभा में शामिल होने के लिए जा रहा है। भोलेनाथ समाधि लगा के बैठे हैं, सती जी यह कौतुक देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, सती बिलो की सती बिलो की भ्योम विमान, सती बिलो के भ्योम विमान, जाते चले सो तर बिदिनाना, राम सिया राम जी देख रहे हैं आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं जिसमें ध्यान मृदंग शंख बजरे हरि कीर्तन हो रहे हैं। सुर सुंदरी ही करई कल गाना, सुर सुंदरी ही करई कल गाना, सुनत सबर छू तई मोन ध्यान राम सिया राम। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मन ध्याना, ऐसे ऐसे भजन कीर्तन हो रहे थे, ऋषि तपस्या कर रहे उनके कानों में भनक पड़ जाए, उनका ध्यान मुक्त हो जाए। अब यह देख करके सती जी का मन ललचाने लगा। माता बहनों ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिए, सती जी का मन ललचाने लगा क्योंकि माता बहनों का दिल बड़ा भावुक होता है,
बड़ा कोमल होता है। ये देख रही हैं तो सती जी को पश्चाताप हो रहा है कि आज मैं भी मेरे स्वामी त्याग न करते तो इसी तरह मैं भी जाती अपने स्वामी के साथ। लेकिन वह सती जी पूछना चाहती हैं, बात पेट की यहां तक आती है और फिर उसे पीछे कोई गटक जाती है। क्यों? कि पहले भूल कर चुकी है। ध्यान दीजिए, और तुलसीदास जी ने लिख भी दिया है क्या, पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं नाए निज अपराधी बिचारी। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं नाए निज अपराध बिचारी। क्योंकि पहले ही अपराध कर चुकी है वो, पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे सच्चा रहा, लेकिन बिन बोले राह भी न जा रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सती जी ये जान चुकी हैं, फिर भी बड़े ही मधुर कोमल स्वर से बोली, स्वामी बोली सती मनोहर भावी, नेत्र खोलो स्वामी यह देखो, बोली सती मनोहर भैसन को जो प्रेम रस सहानी, बड़ी ही मधुरता से सुंदर भाव से हाथ जोड़ करके नम्रता से कहा, स्वामी नेत्र खोलो यह देखो आकाश मार्ग से देवतागण ये अपने अपने विमानों में बैठे अपनी अपनी नारियों के सहित ये कहां जा रहे हैं। भोलेनाथ ने जो ही सुना है तो जान लिया कि सती पे दूसरी भावई और आई गई। बोलो शंकर भगवान की, सती जी पूछ रही हैं कि स्वामी ये सुंदर सुंदर विमान देवतागण बैठ करके कहां जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, सती न पूछो तो ही अच्छा है। नहीं नहीं स्वामी, क्या मेरा मन नहीं करता आप भी चले और मुझे भी ले चले। अब ऐसा नहीं हो सकता है सती। क्यों? चलो ठीक है, हमें ये बता दो ये देवता कहां जा रहे। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं स्वामी, मेरा तो मन ललचारा है, मेरी भी इच्छा जागृत हो रही है कि आप भी चले मैं भी चलूं। ये कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, तुम्हारे पिताजी के यहां जा रहे हैं। मेरे पिताजी के यहाँ? क्यों? तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है, उसमें सभी के लिए नौता भेजा लेकिन हमारे लिए नौता नहीं भेजा है। सती जी बोली, क्यों? कि तुम्हारे पिताजी हमसे बहुत नाराज हैं। नहीं नहीं स्वामी, क्षमा करें, मेरे पिताजी भला तुमसे हमसे क्यों नाराज होंगे? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, क्या कारण किया है? सती जी मैंने कह दिया ना, आप चुपचाप मन को मारो और कैलाश पे ही रहो। इतनी बात सुनी है तो माता बहनों ध्यान दीजिएगा मेरे भागवत प्रेमियों, हर नारी का दिल भावुक होता है और यही सोचती रहती जब ससुराल पहुंच जाती है ना कि मेरी मायके में कोई यज्ञ हो या कोई विवाह हो या लाला को डठन हो तो मैं वहां पियर जाऊं और अपनी सखियों से अपने माँ बाप से मिलकर के आऊं। आज सती जी को वही भावना पियर की सुनते ही बात अंदर से जागृत हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो।